हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने आईज़ और ईयर्स के बारे में पढ़ा था, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स के दो पार्ट थे। आज हम अपने बचे हुए जो तीन हमारे सेंस ऑर्गन रह जाते हैं, ईयर्स, नोज, टंग और हमारी जो स्किन रह जाती है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ हम नोज के बारे में पढ़ते हैं। तो नोज क्या काम करती है? हेल्प टू स्मेल, किसी भी चीज़ को सूंघने में, स्मेल का पता लगाने में हमारी नोज हेल्प करती है। जो ह्यूमन नोज होते हैं उसके टू नॉस्ट्रल्स होते हैं, दैट मीन्स हमारी जो नोज होती है इस स्ट्रक्चर की होती है। तो ये जो दो चीज़ होती हैं इन्हें क्या बोला जाता है? नॉस्ट्रल बोला जाता है। हमारी नोज के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे जो हेयर्स होते हैं उनका वर्क क्या होता है? अब हम कोई भी चीज़ को स्मेल कर रहे हैं तो कोई भी जो डस्ट पार्टिकल है या कोई भी इम्प्योरिटी है वो हमारी नोज के अंदर ना जाए और नोज के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर ना जाए, तो उन्हें रोकने का काम जो करते हैं वो हमारे नोस्ट्रिल के अंदर वाले छोटे छोटे हेयर्स करते हैं। नोज के टाइम में क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए कि हमें अपनी नोज की को अच्छे से साफ रखना चाहिए, और छींकते वक्त हमें किसका यूज़ करना चाहिए? हैंकी का यूज़ करना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ टंग, जीभ। इसका काम क्या होता है? किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए हमारी जो टंग होती है वो हमारी हेल्प करती है। और इसमें भी क्या प्रिकॉशंस हैं कि हमें अपनी टंग को जो है उसको भी अच्छी तरीके से साफ करनी चाहिए। जब हम ब्रश करते हैं उस वक्त हमें अपनी टंग को भी अच्छे से साफ करना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ स्किन। स्किन की अगर मैं बात करती हूँ तो किसी भी चीज़ को महसूस करने में हमारी स्किन ही हेल्प करती है। और हमारी जो सेंस ऑर्गन का सबसे बड़ा पार्ट है वो क्या है? हमारी स्किन ही है, क्योंकि हमारी आईज है, नोज है, ईयर्स हैं, ये छोटे छोटे हैं, लिमिटेड एरिया है इनका, लेकिन हमारी जो स्किन है वो हमारी पूरी बॉडी को कवर करके रखती है। तो जो स्किन है वो सबसे लार्ज ऑर्गन है हमारी बॉडी का।